बीकॉम पार्ट थर्ड के प्रथम पेपर इनकम टैक्स लॉ इन अकाउंट में आज का हमारा टॉपिक मकान संपत्ति से आय पर है, यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वी नो दैट आयकर अधिनियम 1961 में आय के 5 शीर्षक बताए गए हैं, जैसे कि वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय एवं पेशे से आय एवं पूंजी लाभ से आए, तथा ऐसी आय जो इन चारों शीर्षकों में नहीं आती हो उसको हम पांचवें शीर्षक यानी अन्य साधनों से आय में शामिल करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के इस शीर्षक में करदाता की मकान संपत्ति से आय की गणना की जाती है। इसका मतलब करदाता की मकान संपत्ति होनी चाहिए और उस मकान संपत्ति से उसको आय होनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस शीर्षक में करदाता की नोशनल इनकम, मकान संपत्ति से नोशनल इनकम पर भी कर लगाया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार मकान एवं उससे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर लगाया जाता है जिसका करदाता स्वामी हो। कहने का तात्पर्य ये है कि इस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार इस शीर्षक में करदाता की मकान संपत्ति होनी चाहिए जिसका वे स्वामी हो, फिर उससे उसके वार्षिक मूल्य पर, ऐसी मकान एवं उससे लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर की गणना की जाती है। इस शीर्षक के आय की गणना से पूर्व हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जान लेना भी आवश्यक है, जिसमें से जो प्रथम है कि मकान एवं उससे लगी हुई भूमि। इस शीर्षक में करदाता की मकान संपत्ति एवं उससे लगी हुई भूमि पर कर लगाया जाता है। वैसे अधिनियम में मकान की कोई परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन हम जानते हैं कि मकान के लिए चार दीवारी होना आवश्यक है। रिहायशी मकान के लिए छत होना आवश्यक है, परंतु गैर रिहायशी मकान के लिए छत होना भी आवश्यक नहीं होता। मकान में मकान रहने के मकान शामिल हैं, गोदाम शामिल हैं, ऑफिस शामिल हैं, स्टेडियम भवन आदि शामिल हैं। मकान से लगी खाली ज़मीन, जैसे मान लीजिए प्लेग्राउंड होता है, ग्राउंड होता है, स्विमिंग पूल होता है, आदि को भी मकान में ही शामिल किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि मकान एवं मकान से लगी हुई खाली ज़मीन, उससे होने वाली आय इस शीर्षक के अंदर कर की गणना की जाएगी। यहाँ पर ये जानना भी आवश्यक है करदाता की केवल ज़मीन ही हो, अगर उस पर कोई मकान नहीं बना हुआ हो तो उससे प्राप्त आय इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी। इसी प्रकार मकान से लगी हुई भूमि को मात्र किराए पर दिए जाने से आय प्राप्त किया हो, मकान को किराए पर नहीं दिया गया हो, तो ऐसी आय भी इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी, बल्कि अन्य साधनों से आय में शामिल की जाएगी। दूसरा पॉइंट है वार्षिक मूल्य। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि कर वार्षिक मूल्य पर लगाया जाता है, तो वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है। इसे आगे वाले लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तीसरा पॉइंट स्वामित्व का है। जैसे कि अभी कहा था कि भाई मकान संपत्ति का करदाता मालिक होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए। इस शीर्षक में मकान संपत्ति से आय तभी परिकलित की जाती है जबकि करदाता मकान का स्वामी हो। अतः करदाता गत वर्ष में मकान का स्वामी था तो उससे प्राप्त आय पर इस शीर्षक में गणना कर की गणना की जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि गत वर्ष में वो मकान का स्वामी होना चाहिए। यदि गत वर्ष के बाद उसने मकान को बेच दिया हो तो उससे कोई अभिप्राय नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का मकान पर स्वामित्व नहीं हो तो प्राप्त आय इस शीर्षक में कर योग्य नहीं मानी जाएगी। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर एक्स की कोई मकान संपत्ति है जो उसने वाई को किराए पर दी गई।
तो एक्स को वाई से जो किराया प्राप्त होगा वो इस शीर्षक में कर योग्य होगा, उसकी गणना की जाएगी। लेकिन यदि वाई ने जेड को किराए पर मकान उठा दिया हो तो वाई को जेड से जो किराया प्राप्त होगा वो इस शीर्षक की आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वाई इस मकान का स्वामी नहीं है। एक बात और आपको बता दूं कि यदि किसी करदाता ने पट्टे पर ज़मीन लेके मकान बनाया हो तो उस व्यक्ति को ही जिसने मकान बनाया है उसे मकान का स्वामी माना जाएगा। यहाँ पर मकान का स्वामी का मतलब लीगली उसके नाम से मकान होना चाहिए, परंतु यहाँ पर आपको ये भी जानना आवश्यक है कि कुछ परिस्थितियों में करदाता को माना गया स्वामी माना जाता है, यानी उस संपत्ति का स्वामी डीम्ड ओनर माना जाता है। अतः ऐसे मकान से प्राप्त होने वाली आय को भी करदाता की आय में शामिल किया जाता है। धारा 27 के अनुसार ये परिस्थितियां निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहला है कि जीवन साथी अथवा अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित मकान। यदि किसी व्यक्ति ने करदाता ने अपनी मकान संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के जीवन साथी को या अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित कर दी हो तो ऐसी मकान संपत्ति से होने वाली आय भी हस्तांतरणकर्ता की आय में शामिल की जाएगी। कई दफ़ा हम देखते हैं करदाता अपनी कर देयता को कम करने के लिए अपनी संपत्ति का इस प्रकार से हस्तांतरण करता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, उनकी कोई मकान संपत्ति है जिससे उनको 2.5 लाख रुपए की आय हो रही है, तो वो उस 2.5 लाख रुपए पे कर बचाने के उद्देश्य से उस संपत्ति को अपने जीवन साथी या एवस बच्चे को हस्तांतरित कर देते हैं। परंतु यहाँ पर ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यदि करदाता ने जीवन साथी को अलग रहने के किसी समझौते के संबंध में मकान संपत्ति हस्तांतरित की है अथवा अविवाहित पुत्री को संपत्ति का हस्तांतरण किया हो तो फिर हस्तांतरणकर्ता की आय में उसे शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है अविभाज्य संपदा। कई दफ़ा करदाता को अपने पूर्वजों से कोई ऐसी पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है जिसका कि विभाजन करना संभव नहीं हो पाता, तो ऐसी अविभाज्य संपदा के लिए भी करदाता को उस मकान संपत्ति का माना गया स्वामी माना जाता है और करदाता अपने हिस्से के अनुसार या अनुपात में उस मकान संपत्ति को के ऊपर आय जो भी होगी उस पर कर चुकाएगा। इसी प्रकार से हम कई दफ़ा देखते हैं कि सहकारी समिति कंपनी या व्यक्तियों के संग आदि भी एक समुदाय या सहकारी समिति बनाते हैं जिसमें सदस्यों को शामिल करते हैं और ऐसे सदस्यों को वो मकान बनाकर आवंटित करते हैं। लीगली सदस्य उसके मालिक नहीं होते हैं, लेकिन इस स्थिति में भी वो माने गए स्वामी माने जाएंगे ऐसे मकान के जो सहकारी समिति ने अपने सदस्यों को आवंटित की है अथवा पट्टे पर दी है। इसी प्रकार से यदि करदाता ने कोई मकान संपत्ति खरीदने के लिए अनुबंध किया है, जैसे कई दफ़ा हम देखते हैं कि कोई हाउसिंग बोर्ड वगैरह इस तरीके से होते हैं या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिससे कि, या कोई निजी संस्था है जिससे मकान किराए करने का अभी अनुबंध तो कर लिया करदाता ने, हो सकता है उसका कब्ज़ा भी ले लिया हो और उसकी राशि भी जो संबंधित राशि है वो भी चुका दी है, लेकिन अभी तक उस मकान संपत्ति का पंजीकरण उसके नाम पर नहीं हुआ है, तब भी उस मकान संपत्ति से होने वाली करदाता की आय में शामिल की जाएगी। इसी प्रकार का एक उदाहरण और है कि धारा 269 UA के अनुसार यदि करदाता ने किसी हाउसिंग बोर्ड वगैरह से कोई ऐसी मकान संपत्ति जो कि 12 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर प्राप्त की गई हो तो ऐसी मकान संपत्ति को भी करदाता की मकान संपत्ति
या यूं कहें कि उसका स्वामित्व भी करदाता का माना जाता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ये पॉइंट बताना चाहता हूं कि मकान संपत्ति से कुछ आय कर मुक्त है, यानी ऐसी आय हैं, ये ऐसे बिंदु हैं जिनमें करदाता को ऐसी संपत्ति को अपनी मकान संपत्ति से आय शीर्षक में शामिल नहीं करता है। वे कौन कौन सी हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे किसी भूतपूर्व महाराजा का निवास के लिए प्रयुक्त होने वाला एक महल या मकान, उसी प्रकार से स्थानीय सत्ता की मकान संपत्ति से जो आय होती है वो भी कर मुक्त होती है। अनुमोदित अनुसंधान संघ की मकान संपत्ति से होने वाली आय भी इस शीर्षक में कर योग्य नहीं होती है। इसी प्रकार से शैक्षणिक संस्थाएं, जैसे हम देखते हैं स्कूल कॉलेज वगैरह, अस्पताल हैं, उनकी कोई मकान संपत्ति है तो वो भी कर मुक्त होती है। राजनीतिक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी मकान संपत्ति भी कर मुक्त होती है। इसी प्रकार से व्यापार संघ की भी मकान संपत्ति कर मुक्त होती है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि कृषि भूमि के ऊपर फार्म हाउस बना लिया जाता है, ऐसा फार्म हाउस भी मकान संपत्ति में कर योग्य नहीं होता है। आपने कई दफ़ा देखा होगा कोई पुण्यास संस्था होते हैं, रिलीजियस जिसे हम ट्रस्ट वगैरह कहते हैं, तो ऐसी रिलीजियस ट्रस्ट जितनी भी मकान संपत्ति होती है उनको किराए पर होने से होने वाली आय भी इस शीर्षक में कर मुक्त होती है। अब आपके दिमाग में ये पॉइंट आ रहा होगा कि भाई मकान संपत्ति से आय कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि मकान संपत्ति से किराए पर उठाने से होने वाला किराया, जो प्राप्त किराया है, वो इस शीर्षक के लिए कर देयता उत्पन्न करता है। लेकिन साथ के साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस शीर्षक में नोशनल इनकम यानी काल्पनिक आय पर भी कर चुकाया जाता है। करदाता का एक मकान प्रीवियस ईयर 2019-20 से पूर्व एक मकान जो वो स्वयं के रहने के प्रयोग में रहता है कर मुक्त होता है। प्रीवियस ईयर 2019-20 से इस एक मकान के बजाय दो मकान को कर मुक्त कर दिया गया है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यदि करदाता का अब दो मकान हैं जिसको वो रहने के लिए उपयोग में लेता है तो वो कर मुक्त माना जाएगा, उस पर किसी प्रकार की कर देयता उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तभी कर देयता उत्पन्न नहीं होगी, या वो कर मुक्त तभी होगा जब वे उसका रहने के लिए उपयोग करें। यदि उसने उस संपत्ति को किराए पर उठा दिया गया है या उसमें से कुछ पोर्शन को किराए पर उठा दिया है तो उससे प्राप्त होने वाली आय यानी उसकी गणना, उस मकान संपत्ति से आय की गणना इस शीर्षक में की जाएगी। यदि करदाता का कोई एक ऐसा मकान हो जो अपनी व्यवसाय दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर व्यवसाय करने के फलस्वरूप या दूसरे स्थान पर नौकरी करने के फलस्वरूप उसका वो उपयोग नहीं कर पाया हो, रहने के लिए उपयोग नहीं कर पाया हो, तो ऐसे मकान भी कर मुक्त होता है, बशर्ते कि उसने इस मकान को किराए पर नहीं उठाया।